19 मई को लोकसभा की गोरखपुर और बांसगांव सीट पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के पांचवें दिन शुक्रवार को बांसगांव सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कुश सौरभ, जिला अध्यक्ष राकेश यादव सहित पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बने बांसगांव संसदीय नामांकन कार्यालय में एआरओ व जीडीए उपाध्यक्ष अमित बंसल के समक्ष पहुंचकर नामांकन किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कुश सौरभ ने कहा, जन अधिकार और बीजेपी के 20 लोग रहेंगे, हमारे लोग 5 लोग नहीं रहते सभी के लिए हम उनका फोटो तो आया 20 लोगों का नमस्ते भैया कैंडिडेट मैंने हो मैदान में आज आप अपना जी क्या रहेगा? कुल मिलाकर के हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता हर चीज़ को समझ रही है, एक भारतीय जनता है और हम इस जंग में हमारी विजय होगी। क्या लगता है किसी मुकाबला है? मेरा मुकाबला सीधे आपके भाजपा से है और भाजपा का जो सांसद यहाँ हैं उनसे है, उनकी नीतियों से हैं, उनके विचारधारा से है। क्या लगता है आपको किस तरह का आपके पक्ष में जनता का रुझान? नहीं, यहाँ की जनता, भारत की जनता आपका सदैव सहिष्णु रही है, भारतीय संस्कृति की वाहक रही है, विविधता में एकता के सिद्धांत का पालन करने वाली रही है और यहाँ की जनता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देगी।